गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज अपने पास आ गया फ्लिपकार्ट की तरफ से GoPro Hero 10। तो चलिए आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है, और आप लोगों को भी बताता हूँ कैसा है इसका अनबॉक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं इसको खोल लेता हूँ, अनरैप कर लेता हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने GoPro Hero 10 लिया है, ये मैं Flipkart से लिया है, और इसका जो पैकिंग है आप देख सकते हैं। और इसमें आपको GoPro ऑफिशियल प्रोडक्ट इंडिया का लोगो दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वाला लोगो आप जरूर देख के लीजिएगा, यदि आप ऑफलाइन मार्केट से भी लेते हैं तो ये वाला जरूर देखिएगा। ठीक है, ये जेन्युइन है कि इंडिया का ही प्रोडक्ट है, मतलब इंडिया में इसको लाया गया है, इंपोर्ट किया गया है, उसके बाद ही मिल रहा है। तो चलिए बक्से को अनरैप करते हैं। मार्केट प्राइस है इसका 40,000 रुपीज़, और मैंने इसको इंस्टॉलमेंट में ले लिया है, ईएमआई में 6 महीने का ईएमआई लिया है। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने GoPro Hero 10, जो कि आप देख रहे हैं बक्सा ऐसा है, और ये हाइपर स्मूथ 4.0 के ऊपर आता है। साथ ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 23 मेगापिक्सल कैमरा, उसके साथ 5.3K रेजोल्यूशन के साथ 60fps के साथ आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और साथ ही 4K 120fps के साथ आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही इसमें 33 फीट का आप या 10 मीटर का आप वाटर के अंदर वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये एक नया GPU आया है, प्रोसेसर आया है। इतने दिन तक GPU, मतलब GoPro Hero 9 तक मैं देखा हूँ GP1 प्रोसेसर था, अब ये GP2 प्रोसेसर आ गया है। तो ये सब है, तो ये आप देख लीजिएगा जब आप खरीद लीजिएगा। तो ये है, 1 साल का वारंटी है इसको। शायद मेरे ख्याल से GoPro के साइट में जाके, मतलब मेरे को वारंटी के लिए बोलना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस मेंशन्ड है 54,500, जो कि है नहीं, और कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। तो चलिए इसको अब सील को खोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरफ खोलना है, तो हम लोग इस तरफ खोल ले रहे हैं। तो बक्से को साइड में करते हैं। तो मेन पैक, मेन यूनिट आ गया है अपने पास। तो ये है GoPro Hero 10 का बैग, इसको अब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, साथ में कुछ स्टिकर्स हैं, और किस प्रकार से यूज़ करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में इसका मैनुअल है, जो कि आप देख सकते हैं, हर लैंग्वेज का है मैनुअल। इसको साइड में करते हैं। ये है आपका टाइप सी पोर्ट, जो कि आपको GoPro के साथ हमेशा मिलता ही है। ये एक हेलमेट के ऊपर लगाने का है, ये आपका क्लिप सामने नहीं, ऊपर, क्योंकि ये देखिए आपका ये वाला कर्व है, तो ये हेलमेट के ऊपर लगेगा, सामने नहीं लगेगा, चिन माउंट में नहीं लगेगा। साथ में एक स्क्रू है, और ये आपका GoPro का जो माउंट है, यहाँ पे एक दिया गया है, इसको चिन या सिर के ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हैं। और ये एक बैटरी है, बैटरी अभी कितना एमएएच का किया है वही देखना है मेरे को। पहले तो 1200 कुछ एमएएच का था, अभी GoPro कितना एमएएच का दे रहा है।
कुछ लिखा तो नहीं है। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कितना इमेज का है, बैटरी है, यही थोड़ा प्रॉब्लम है। पहले लिखा रहता था 1200 कुछ एमएएच का बैटरी, तो कोई भी हो कुछ भी हो तो बैटरी आपके सामने है। और ये है इसका मेन यूनिट जो कि आप देख रहे हैं, GoPro Hero 10 ब्लैक एडिशन है ये। तो इसको हम लोग अनरैप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से ये अनरैप हो जाता है। तो यहाँ पे एक स्टिकर, यहाँ पे एक स्टिकर और पीछे में एक स्टिकर दिया हुआ है। और अभी देखिए जो GoPro का जो आपका लोगो है और जो मॉडल है वो नीला। तो देखिए ये जो पैनल है ये बैटरी कंपार्टमेंट है और इसको खोलते हैं इस प्रकार से। ये जो आपको दिख रहा है एक शाफ्ट, इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये शाफ्ट खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया है। उसके बाद आपको ऐसे करके खींच के इसको खोलना है। तो इस प्रकार से आपका ये कंपार्टमेंट खुल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड लगाने का जगह है इस तरफ में। और ये देखिए दिखाई दे रहा होगा।